तो गाइज मैं इंस्टाग्राम पे हो गया हूँ वेरीफाई और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या बाकी वेरीफाइड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज मुझे नोटिस करेंगे? क्या बनेंगे वो मेरे दोस्त? क्या वो करेंगे मेरे डीएम्स का रिप्लाई? भाई मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था ये रिप्लाई करने वाला है, ये रिप्लाईड। जानने के लिए पूरी वीडियो देखो, बट उससे पहले मुझे वेरिफिकेशन कैसे मिली ये जान लेते हैं। अब अगर आप लोग पत्थर के नीचे नहीं रहते, यू गाइस प्रोबेबली ऑलरेडी नो कि आप इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन बैच खरीद सकते हो। पहले भी खरीद सकते थे 50,000, 1,00,000, 2,00,000 में, बट अब महीने का 700 रुपये और वेरिफिकेशन बैच मिल जाता है। बट क्यों चाहिए? मेरा मानना है लोगों को वेरिफिकेशन बैच इसलिए चाहिए क्योंकि पहले ये सिर्फ फेमस लोगों को, सेलिब्रिटीज को मिलता था, और अब कोई भी ले सकता है, तो कोई भी सेलिब्रिटी और फेमस फील कर सकता है। सबको कुछ ऐसा बनना है जो वो नहीं है, सब कुछ फेक है भाई। यहाँ तक कि भाई ये सेट, ये वीडियो का सेट भी नकली है। इस पे एक और वीडियो में बात करेंगे, मगर एक बात बताऊँ, वेरिफिकेशन लेने वाले एक और टाइप के लोग हैं, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, जो इसको एज अ बिजनेस टूल यूज कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है अगर वो वेरिफिकेशन बैज लेंगे तो शायद अपने क्लाइंट्स और दूसरे यूजर्स की नजर में नोटिस हो जाएं। और एक बात बोलूं, शायद वो सही है। बाकी लोग छोड़ो, खुद जब मैं रोज इंस्टाग्राम यूज करता हूं तो अगर मेरे डीएम्स में या फिर नोटिफिकेशन में एक वेरिफिकेशन वाला बैज वाला दिख जाता है मुझे, तो मैं अक्सर रुक के उसकी प्रोफाइल देख लेता हूं, मैसेज देख लेता हूं। दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स, अलग से चमक जाता है। तो सवाल अब यही आता है, क्या इंस्टाग्राम का वेरिफिकेशन खरीद के आप एक्चुअली नोटिस हो सकते हो, शायद फेमस हो सकते हो, काम मिल सकता है, या आप बेवकूफ लगोगे एक नंबर के? जानने के लिए 700 रुपए खर्च करके पता कर ही लेते हैं। तो हाँ भाई, कुछ इसी तरीके से मैं वेरीफाई हुआ हूँ इंस्टाग्राम पे पैसे देके, बट नाउ इट्स टाइम टू स्लाइड इनटू सम सेलिब्रिटीज के डीएम्स। अब सेलिब्रिटीज को डीएम भेज रहे हो, शाहरुख खान का डीएम ना भेजे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आई एम सेंडिंग शाहरुख खान डीएम की कैन आई गेट अ जॉब एट रेड चिलीज वीएफएक्स, क्योंकि भाई रिस्पॉन्स मिले बढ़िया, जॉब मिले और ज्यादा बढ़िया। कीप इन माइंड आप भी ये कर सकते हो, इफ यू गेट वेरीफाइड एंड गेट नोटिस्ड तो यू कैन आस्क नॉर्मल पीपल फॉर अ जॉब। अगर सेलिब्रिटीज रिप्लाई करेंगे तो प्रॉब्ली क्लाइंट तो कर ही देगा, देखते हैं जॉब मिलती है, रिप्लाई मिलता है, कुछ भी मिलता है यानी। अब बॉलीवुड के बादशाह को तो मैसेज कर चुका हूँ, बट नाउ इट्स टाइम टू मैसेज म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह। तो बादशाह को मैंने मैसेज किया कि इफ आई गेट अ रिप्लाई आई विल गैदर द करेज टू रिलीज माय न्यू सॉन्ग, क्योंकि भाई ने नया गाना बनाया है एक दो, थोड़ा शायद हिम्मत मिले रिलीज करने का। बट अगर रिप्लाई ना आया तो बेइज्जती हो जाती। तो मैंने ये सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करके रफ्तार और किंग को भी भेज दिया, तो किसी का रिप्लाई आया तो मैं अपना गाना रिलीज कर दूंगा। ये लो सुन लो थोड़ा सा। अब देखो मुझे पता है बहुत ज्यादा बढ़िया गाना बना दिया मैंने, और आप लोग इसका बहुत जोर से वेट कर रहे हो, एंड यू वांट टू यूज इट इन योर वीडियोस। आप इवेंचुअली कर पाओगे, बट अभी ये गाना आने में टाइम है। बट अगर आप अभी भी अपनी वीडियोस के लिए म्यूजिक ढूंढ रहे हो, लुक नो फर्दर, क्योंकि द बेस्ट म्यूजिक लाइब्रेरी यू विल फाइंड ऑन एपिडेमिक साउंड। आप में से काफी लोग जानते हैं मेरी वीडियोस को, ऑलमोस्ट सारा म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स मैं एपिडेमिक साउंड्स लेता हूँ। इट हैज अ ह्यूज लाइब्रेरी, हजारों लाखों गाने और साउंड इफेक्ट्स हैं फॉर एवरी वीडियो दैट यू माइट नीड टू मेक। जैसी भी वीडियो है, जैसा भी मूड है, वैसा गाना आप सर्च कर सकते हो। और मान लो कभी आपको अपनी वीडियो के एक पार्ट के लिए गाना नहीं मिल रहा, नहीं समझ आ रहा कैसा गाना यूज करना है, तो एपिडेमिक साउंड की वेबसाइट पे देयर इज अ न्यू फीचर कॉल्ड साउंड मैच, जहां पे आप अपनी वीडियो का एक पार्ट अपलोड कर सकते हो और वो एआई के थ्रू डिटेक्ट करेगा कि कैसी वीडियो है, क्या वाइब है, और आपको गानों की रिकमेंडेशन देगा सीधा वहीं पे। और अपनी वीडियो आप साथ साथ में देख सकते हो, गाना साथ साथ में सुन सकते हो, बहुत बढ़िया फीचर है। तो अगर आप साउंड मैच ट्राई करना चाहते हो या फिर एपिडेमिक साउंड की बड़ी सी लाइब्रेरी से कोई भी गाने या साउंड इफेक्ट्स ट्राई करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ट्राई करो, 30 दिन फ्री ट्रायल मिलेगा आपको। अब म्यूजिक की बात कर ही रहे हैं, तो मेरा अगला डीएम मैंने भेजा टू एमी वे बंटाई, और मैंने बोला इफ आई गेट अ रिप्लाई आई विल ऐड बंटाई टू माय प्रोफाइल नेम फॉर अ वीक। ना ही रिप्लाई आए तो बेटर है। अब देखो मुझे काफी वीडियोस में लोग कमेंट करके बोल रहे कि भाई मोटा हो गया, जिम जा, तो लेट्स मेक दिस इजी। मैंने वरुण धवन को डीएम किया है कि इफ यू रिप्लाई टू माय डीएम आई एम नॉट स्किपिंग द जिम फॉर अ मंथ। मैं जा अभी भी रहा हूँ, कंसिस्टेंट और हो जाऊंगा। अब कंसिस्टेंसी सिर्फ जिम में जरूरी नहीं है। तभी मैंने यूट्यूब इंडिया को डीएम किया कि इफ आई गेट अ रिप्लाई आई विल अपलोड मोर कंसिस्टेंटली। अब जिम जाने की बात हो गई और यूट्यूब के बारे में बात हो गई, तो बात करते हैं एक जिम जाने वाले यूट्यूबर के बारे में। तो मेरा अगला डीएम गोज आउट टू हर्ष बेनीवाल, अभी उसकी नई वेब सीरीज आई है चेकमेट, गुड स्टफ। तो मैंने मैसेज किया है कि हे ब्रो जस्ट वॉच योर लेटेस्ट फिल्म, मैसिव रिस्पेक्ट, लव्ड इट। अगले डीएम मैंने किया आशीष चंचलानी को कि इफ यू रिप्लाई टू माय डीएम बिजली का बिल इस महीने मैं भर दूंगा। अब सारे यूट्यूबर्स पकड़ ही रहा हूं, तो अगला मैसेज गया मेरा भुवन बाम को, विच इज इफ आई गेट अ रिप्लाई तो 20 रुपए में एक राज की बात बताऊंगा।
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज निश्चय मल्हान एके ट्रिगर्ड इंसान। तो मैंने उसको सीधा भेजा कि भाई आई जस्ट पेड 700 रुपीज टू गेट अ ब्लू टिक नियर माई नेम, ताकि बाकी ब्लू टिक वाले नोटिस करे और रिप्लाई करे, डू यू थिंक इट विल वर्क? अगेन निश्चय दोस्त है, होपफुली रिप्लाई कर देगा। यही उम्मीद लेके मैंने मिथपैड को भी यही मैसेज भेज दिया विद द उम्मीद कि वो रिप्लाई कर दे। देखो मेरा मकसद सिंपल है, इस वीडियो के एंड तक मुझे जितने रिप्लाईज मिले असली ब्लू टिक वाले लोगों से जिन्होंने पैसे नहीं दिए, मैं खुश हूँ। तो इसलिए मैंने एक और दोस्त को डीएम किया, ग्रवेरो को, कि भाई ब्लू टिक मैचिंग हो गया है हमारा, आपने कितने मिलिया? सच्ची बता दियो भाई। अब देखो इंडियन यूट्यूबर से तो बात बहुत कर ली, थोड़े बाहर के क्रिएटर से भी बात करते हैं, थोड़े इंटरनेशनल क्रिएटर्स, स्टार्टिंग विद मिस्टर बीस्ट। तो मिस्टर बीस्ट को मैंने भेजा कि इफ आई गेट रिप्लाई आई विल फीड 20 पीपल, एंड यू नो व्हाट, नहीं भी करेगा मैं कर दूंगा, बट यू नो आई नॉट। अगला मैसेज आता है KSI को, KSI को मैसेज कि इफ आई गेट अ रिप्लाई आई एम चैलेंजिंग माई बेस्ट फ्रेंड टू अ बॉक्सिंग मैच। कर दूंगा भाई, जिम जा ही रहा हूँ, बॉक्सिंग करूंगा। देखो सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो दिस, बट मैं पहले टेक यूट्यूबर था और मेरे बहुत सारे टेक यूट्यूबर दोस्त थे और मैं बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स देखता था। उनमें से एक था मिस्टर हुज द बॉस, जिसका नाम इज अरुण मैनी, फन फैक्ट, वेरी बिग चैनल टुडे, बट वी फॉलो इच अदर ऑन ट्विटर, पर इंस्टाग्राम पे नहीं करते। तो तभी मैंने मैसेज भेजा कि ट्राइंग टू मैनीफेस्ट रिप्लाई फ्रॉम यू। नेक्स्ट मैसेज आई सेंड टू सोनी अल्फा इंडिया, सोनी के कैमरास, इफ आई गेट अ रिप्लाई आई एम गेटिंग अ न्यू सोनी कैमरा, बट बाय चांस नहीं किया तो दूसरी साइड को भी खुश रखना है, तो मैंने कैनन इंडिया को भेजा, इफ आई गेट अ रिप्लाई आई माइट स्विच फ्रॉम टीम सोनी टू टीम कैनन। मैं नहीं करने वाला अभी तो नहीं, बट लेट्स सी, शायद रिप्लाई आ जाए, स्टोरीज तो सीन करी हुई है इन्होंने पहले। अब एट दिस पॉइंट मुझे और ज्यादा लोग नहीं समझ आ रहे किसको मैसेज भेजूं, तो मैंने कुछ कंपनीज को मैसेज कर दिया कि काफी बार कंपनीज रिप्लाई कर देती हैं। सबसे पहले मैंने मैसेज किया जोमैटो को कि इफ आई गेट अ रिप्लाई आई बाय माय फ्रेंड अ पिज्जा। नेक्स्ट मैसेज गोज आउट टू टाटा मोटर्स, एंड उनको मैंने बोला कि इफ आई गेट अ रिप्लाई आई एम गेटिंग अ टाटा सफारी रेड डार्क एडिशन फॉर श्योर। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी पिछली गाड़ी की EMI चल रही है, पर मैं बेच दूंगा, मुझे गाड़ी पसंद है, मैं ले लूंगा, अगर इन वीडियो से पैसे बने तो प्लीज पूरी देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि भाई एक अच्छी गाड़ी खरीद पाए, सेफ सी, देश का लोहा। अब देखो टाटा मोटर्स को तो कर ही दिए, तो टाटा के होटल वाले चेन को भी कर देते हैं, विच इज ताज होटल्स। तो ताज होटल्स को एक DM भेजते हैं, लास्ट DM होने वाला ये। एंड अभी अबाउट एक हफ्ते में मेरी मॉम का बर्थडे है, तो आई सेंड देम अ मैसेज कि इट्स माय मॉम्स बर्थडे इन अ कपल ऑफ डेज, इफ आई गेट अ रिप्लाई आई टेक हर फॉर अ स्टे इन अ ताज होटल। आई डोंट नो रिप्लाई आएगा या नहीं, बट this is also something I would really like to do. So reply I na I would like to do this, but that's it. Sare DMs bhej chuka hu main. Ab kuch din wait karte hain aur jante hain ki kya hota hai. So stay tuned. तो गाइस आज है 15 जुलाई और DMs भेजे हुए मुझे 4 से 5 दिन हो गए और उनमें से कुछ के रिप्लाई भी आ चुके हैं, तो वो देखने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब देखो मेरा ये मानना है कि 700 रुपये का वेरिफिकेशन लेके शायद मुझे कुछ इनमें से रिप्लाईज वापस मिले हों, और शायद अगर आप खरीदो आपको भी मिल सके, बट अगेन द पॉइंट इज शायद यू आर बेसिकली पेइंग 700 रुपीज़ मोर टू गेट नोटिस्ड स्लाइटली। तो मेरे बोलने पे अब वेरिफिकेशन मत खरीद लेना और डोंट गो आउट मैसेजिंग सेलिब्रिटीज वगैरह। पर हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आपका काम अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, यू कैन ट्राई दिस टू गेट नोटिस्ड मोर, एंड आप इसको एज अ बिजनेस टूल यूज़ कर सकते हो। यहीं पे एक डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ मैं। अब देखते हैं रिप्लाईज क्या आए। तो भाई पहला रिप्लाई हमें आया है ग्रवेरो से, जिसको मैंने भेजा था भाई ब्लू टिक मैचिंग हो गया हमारा, आपने कितने मिलिया? उसने रिप्लाई किया 150 रुपया, उसने पैसे नहीं दिए, बट हाँ चलो फनी। मैं बच गया, काट लेता, मेरी शक्ल खराब हो जाती। ओहो, मैं इधर नहीं शूट कर रहा, लोकेशन से गई। अगला रिप्लाई मुझे आया निश्चय से, ट्रिगर्ड इंसान से, जिसको मैंने मैसेज किया था कि आई जस्ट पेड 700 रुपीज टू गेट अ ब्लू टिक नियर माई नेम, ताकि बाकी ब्लू टिक वाले नोटिस करे और रिप्लाई करे, डू यू थिंक इट विल वर्क? उसने रिप्लाई किया हा हा आई गेस इट विल, इट डिड इन दिस केस। थैंक्स निश्चय भाई। अब इस मैसेज की इतनी ज्यादा पावर थी कि मैंने ये सेम मैसेज मिथपैड को भेजा था और मिथपैड का भी रिप्लाई आया। मिथपैड का रिप्लाई आया, तुझे तो मैं विदाउट ब्लू टिक भी नोटिस करूंगा। अगला रिप्लाई जिसका आया था ना भाई, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था ये रिप्लाई करने वाला है भाई। ही रिप्लाइड बादशाह रिप्लाइड। मैंने बादशाह को रिप्लाई किया था कि इफ आई गेट अ रिप्लाई आई विल गैदर द करेज टू रिलीज माय न्यू सॉन्ग, एंड बादशाह रिस्पोंडेड विद यू डोंट नीड माय रिप्लाई टू रिलीज योर सॉन्ग बट ऑल द बेस्ट। ही रिप्लाइड डैम। पर रुको, जहां मुझे लगा कि यही सारे DMs का रिप्लाई आया है, एक और DM का रिप्लाई आया है। तो आई टोल्ड यू आई ऑल्सो मैसेज ताज होटल्स, उनको मैंने बोला था कि इट्स माई मॉम्स बर्थडे इन अ कपल ऑफ डेज, इफ आई गेट अ रिप्लाई आई टेक हर फॉर अ स्टे इन अ ताज होटल। तो
तो उनका रिप्लाई आया, वी लुक फॉरवर्ड टू योर विजिट फॉर योर स्पेशल ओकेजन अंगद, डू लेट अस नो इफ यू नीड फर्दर असिस्टेंस इन बुकिंग। तो आई गेस मम्मी को ताज होटल लेके जाने का टाइम आ चुका है। चलो ये भी कर लेते हैं।